हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ टेस्ट मैच में आज तक परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इन गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम का सामना करने वाली है। टीम सऊदी रहाणे के खिलाफ काफी खतरनाक नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने 110 गेंदों में 96 डॉट गेंदें डाली है और उन्हें 4 बार आउट किया है, और इसी वजह से सऊदी के खिलाफ रहाणे को काफी संभाल कर खेलना होगा। और वही दूसरी तरफ भी उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 199 गेंदों का सामना किया है और उनके खिलाफ भी 3 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि सऊदी के मुकाबले ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ इनका बैटिंग स्ट्राइक रेट काफी बेहतर नजर आ रहा है। जेमिसन के खिलाफ 62 गेंदों में 56 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए हैं और एक भी बार आउट नहीं हुए हैं, और मैट हेनरी के खिलाफ 93 गेंदों का सामना करके 40 रन बनाए हैं और एक बार आउट हो चुके हैं। नील वैगनर के खिलाफ इनके बैटिंग के आंकड़े काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 68 के स्ट्राइक रेट से 76 गेंदों में 52 रन बनाए हैं और सिर्फ एक ही बार उनके खिलाफ आउट हुए हैं। और वही दूसरी तरफ कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने उन्हें काफी अच्छी चुनौती दी है। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के खिलाफ 59 गेंदों में से 50 डॉट गेंदें डाली हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज अजाज पटेल ने उन्हें 13 में से 13 डॉट गेंदें डाली हैं। वैसे तो इनका बैटिंग एवरेज 41.3 का है, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने वो बढ़कर 50 का हो जाता है। तो दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा गेंदबाज अजिंक्य रहाणे को काफी परेशान कर सकता है, या फिर कौन से गेंदबाज को अजिंक्य रहाणे बैटिंग करते वक्त टारगेट करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।